हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.6 के बारे में, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है पी ओ क्यू, जिसका मेजर है 75 डिग्री, और इसमें हमें फाइंड करना है लाइन ऑफ सिमेट्री भी। तो कैसे इसे हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं, और चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप 75 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जिस एंगल का नाम होगा पी ओ क्यू। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आप रख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप्स ये जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, इन सारी कंस्ट्रक्शंस को हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी एल, और उस पे मार्क किया एक पॉइंट ओ ऑन इट, यानी सबसे पहले ये जो लाइन है इसको हमने ड्रॉ करी है, और यहाँ पे एक पॉइंट था ओ जिसको हमने मार्क कर लिया, राइट। अब जो हमारा कंपास का जो पॉइंटर है उसको हम ओ पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे आर्क, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए, और इसी तरीके से एनी रेडियस, कोई सा भी आप रेडियस ले सकते हैं, विच इंटरसेक्टेड लाइन एल, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ए के ऊपर, सेम रेडियस लेते हुए फिर हम ए को सेंटर मानेंगे अब, और बी पे एक आर्क करेंगे यहाँ पे, राइट। जैसे ही वो होगा फिर हम बी ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर हम सेम रेडियस से ये फिर हम सेम रेडियस लेंगे बी से और सी पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा 120 का एंगल बन गया। ये 60 बना तो ये 60, यानी कि 180 का। ये इस एंगल को अगर हम आप डॉट से मिलाएंगे तो ये 180 का होगा, राइट। अब इस सी से और बी के बीच में हम एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बी ओ सी का जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये डी पे आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट एक राइट एंगल बना के देगा हमें। डी ओ ए एक राइट एंगल बनेगा जो 90 डिग्री का होगा। तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख लिया कि टेकिंग अ सेम रेडियस विद द सेंटर बी, कट द प्रीवियस आर्क एट सी, सी पे हमने कट किया, फिर इनका बाइसेक्टर एंगल ड्रॉ किया। अब हमने ड्रॉ कर लिया है ओपी एज अ बाइसेक्टर ऑफ डी ओ बी, ओपी एज अ बाइसेक्टर ऑफ डी ओ बी, ये इसका बाइसेक्टर है, डी ओ बी का जो बाइसेक्टर है ना ये ओपी है। तो ये जो पी ओ ए बन रहा है, ये जो पी ओ ए बन रहा है वो 75 डिग्री का बनेगा, ये 75 डिग्री का बनेगा, ये जो पी ओ ए बन रहा है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ था इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसके मेजरमेंट को भी देख लिया कि किस तरीके से चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं इसके अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 147 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर्स, इनके बाइसेक्टर्स को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में, जिसमें 147 डिग्री का आप देख पा रहे हैं एंगल ड्रॉ करना है, और इसके कंस्ट्रक्ट को भी, बाइसेक्टर को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो किस तरीके से हम करने वाले हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये कंप्लीट स्टेप आ चुकी है, और स्टेप को कैसे आप समझ सकते हैं इसको आप समझने की कोशिश करिए। स्टेप ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले आपको रे ड्रॉ करनी है ओ ए, ओ ए हमारी एक रे है, और इस रे के ऊपर अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी है, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है 147 डिग्री का एंगल। तो ये हमने 147 डिग्री का एंगल बना लिया है, राइट, किसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। अब हमें ओ को सेंटर मानते हुए जो भी आपको कन्वीनियंट रेडियस लगता है वो आपको ड्रॉ करना है आर्क, विच इंटरसेक्ट एट आर्म्स ओ ए ओ बी एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पी और क्यू के ऊपर जो भी कन्वीनियंट रेडियस लगता है उसको हमने ड्रॉ कर लिया पी और क्यू, और यहाँ से ये जो है इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, जो कि आर पे आप देख पा रहे हैं इस पी एज ए सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू। अब इस पी क्यू का हमने हाफ लिया है और ड्रॉ किया है आर्क, राइट। जैसे ही ये ड्रॉ हुआ है आर्क हमारा, फिर क्यू को हमने सेंटर माना है, यहाँ से फिर क्यू को सेंटर माना है, और आर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, पी को हमने एक बार सेंटर लिया है और आर को लिया सेंटर, और ये आ गया कम्प्लीटली इसके बाइसेक्टर को हमने ड्रॉ कर लिया है, राइट, जो कि आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
फिर हमने ओ आर को ज्वाइन कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ, तो ये आ गया हमारा ओ आर। तो ओ आर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है, ये जो एंगल है हमारा है ए ओ बी, ए ओ बी का जो बाइसेक्टर है वो ओ आर है। तो इस तरीके से हमने मेजर कर लिया 147 और इसका जो बाइसेक्टर था उसको भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें कि एक राइट एंगल ड्रॉ करना है और उसके जो बाइसेक्टर हैं कंस्ट्रक्ट करना है। तो राइट एंगल आपको पता है कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के कंप्लीट स्टेप्स को और उसके एंगल को कि कैसे ड्रॉ करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के कंप्लीट स्टेप्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के स्टेप्स होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शंस की स्टेप्स इनकी। और इन कंस्ट्रक्शंस की स्टेप्स में सबसे पहले आपको एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है, ओ को एक पॉइंट लेते हुए। यहाँ से हमने ओ एक इसका पॉइंट लिया हुआ है, और इसको ड्रॉ करने के बाद हमने ओ को एज ए सेंटर लिया और कन्वीनियंट रेडियस जो हमको समझ आया उस रेडियस को हमने लिया, और इस पे आर्क ड्रॉ करा हमने जो इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू को ए एंड बी पे। तो ये हमारा रेडियस हो गया पी क्यू के ऊपर, ये कन्वीनियंट रेडियस है। इसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को सेंटर माना, एक बार ए से एक बार बी से, राइट। और हाफ से ज़्यादा लेकर के हमने ड्रॉ करे दो आर्क जो कि सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसके हाफ में मैंने किया और यहाँ से किया ये। तो ये कम्प्लीटली ये बाइसेक्टर इसका 90 डिग्री का बना, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, हमने ज्वाइन कर दिया ओ से सी को, और सी ओ क्यू रिक्वायर्ड राइट एंगल, ये जो था सी ओ क्यू, सी ओ क्यू जो आप देख रहे थे ये राइट एंगल था जो कि 90 डिग्री का है। अब इसका हमें हाफ करना था, तो हमने क्या किया, इस बार बी को और ई को सेंटर लिया, इस बार बी को लिया हमने सेंटर और इस बार ई को लिया। इसको फिर जो इसका रेडियस था उसको मोर देन हाफ लिया, और यहाँ पे हमने दो आर्क्स को इंटरसेक्ट कराया जो कि पॉइंट डी था उसका। फिर हमने ओ से डी को मिला दिया इस वाले पॉइंट में, ज्वाइन ओ डी, ओ डी इज अ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ सी ओ क्यू। ये जो ओ डी आपको दिख रहा है ये रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है, जो एंगल हमारा बना हुआ था एंगल सी ओ क्यू, ये इसका रिक्वायर्ड, ये जो एंगल था इसका बाइसेक्टर था, राइट। तो ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स आप समझ पाए होंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले हमने राइट एंगल को ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ करने के साथ उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, उस वो सारी स्टेप्स हमने देखी यहाँ पे। तो ये पॉसिबल होगा केवल प्रैक्टिकल जब आप अप्रोच करेंगे तो ही पॉसिबल होगी। एक एक स्टेप्स को पढ़ना है और एक बार में एक ही चीज़ आपको करना है, फिर दूसरी बार में आपको फिर ओ को एज ए सेंटर लेना है, और फिर जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं वैसे जब आप करेंगे तो इजीली आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, राइट। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर और देखते हैं कि कैसे आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप उनके कंस्ट्रक्शन को करते हुए उन जो एंगल्स हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, वो 153 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे हम इसकी स्टेप्स को सॉल्व करने वाले हैं, चलिए उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 153 डिग्री का सबसे पहले तो एंगल कैसे हम मेजर करने वाले हैं। आपको प्रोटेक्टर की मदद से ही एंगल्स बनने वाले हैं आपसे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक रे ओ ए ड्रॉ करनी है, और ये ओ ए आपकी एक रे हुई, राइट। इसके बाद आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से 153 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए ओ बी। तो आपने क्या किया, ए ओ बी ये जो है वो कंप्लीटली आपने 153 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपको ओ सी एज अ बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, अब आप ओ सी को बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर करने की प्रोसेस आपको पता है, सबसे पहले ये ओ सी बाइसेक्टर होगा, फिर उसके बाद ओ ओ सी और बी ओ सी का बाइसेक्टर आप करेंगे, फिर ए ओ सी का आपने किया, ए ओ सी को भी कर सकते हैं पहले, चाहे तो बी ओ सी को भी कर सकते हैं, अगेन ड्रॉ करेंगे ये बाइसेक्टर। तो ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओ सी
OD और OE डिवाइड हो गया है फोर इक्वल पार्ट्स में, जो एंगल है AOB के फोर इक्वल पार्ट्स बन चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर और कैसे उसके एंगल्स को हमें ड्रॉ करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, जिसमें कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंपास और रूलर के थ्रू एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं, चाहे वो 60 की बात करें, 30 की बात करें, 90 की बात करें, 120, 45, 135, यहाँ पे टोटल 6 एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करना। बहुत ईजी होता है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 60 डिग्री के एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उनको कुछ इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको समझते हैं सबसे पहले कि कैसे आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। सबसे पहले स्टेप्स में आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ड्रॉ करना है आपको ओ ए, एक रे होगी, इसको सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के साथ जो भी आपको कन्वीनियंट रेडियस लगता है आप ले सकते हैं, और आप आर्क लेंगे इसका क्यू के ऊपर, जो कि पी एक पॉइंट होगा और जो इंटरसेक्ट करेगा ओ ए के ऊपर। सबसे पहले आपने पी लिया, और टेकिंग सेम पी एज ए सेंटर, फिर आप पी को सेंटर मानते हुए क्यू पे जैसे आप एक आर्क लेंगे उसको आप क्यू बना देंगे, और फिर ओ बी को मिला देंगे आप, या फिर आप ओ क्यू को मिला देंगे, और इस तरीके से बी ओ ए एक 60 डिग्री का एंगल बन करके तैयार हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल भी सेम इसी तरीके से बनता है, यानी कि सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। पी को एक बार लेंगे, क्यू क्यू का लेंगे, और फिर यहाँ से जब आप बाइसेक्टर करेंगे तो वो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट। तो अब हम आते हैं 30 डिग्री वाले पे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर बी। अब हम बात करेंगे जो हमारा एंगल 30 है इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 30 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करनी है। वो स्टेप्स कुछ इस तरीके की होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको एक ओ ए जो रे है, हमेशा की तरह जैसे 60 के अंदर भी हमने किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करने वाले हैं। ओ ए हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, इसके बाद हम ओ को सेंटर लेंगे और जो भी कन्वीनियंट रेडियस होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और सबसे पहले हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये 60 डिग्री का बन गया, मैंने बताया था इसका हाफ करना है आपको, राइट। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया बी ओ ए जो रिक्वायर्ड था। अब पुट करना है पॉइंटर को पी ऑन मार्क, ऑन जो भी मार्क हुआ है पी से आपको ये, और फिर क्यू से आपको ये एक करना है आर्क, जो सी पे आर्क उसका कट करेगा, राइट। अब इस तरीके से ये जो सी ओ ए है वो रिक्वायर्ड एंगल 30 डिग्री का बन करके तैयार हो जाएगा। तो 30 डिग्री के एंगल को भी बनाना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं कि 90 डिग्री के एंगल्स को कैसे बनाना है, कैसे आप उनके स्टेप्स को लिख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रूलर और कंपास की मदद से आप 90 डिग्री के एंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सी वाला क्वेश्चन है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम उन स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन सी प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरह आपको एक जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है, जो रे है, उसको आपको ड्रॉ करनी है। तो हमने एक रे ओ ए ड्रॉ कर ली, और जो भी कन्वीनियंट रेडियस हो सकता था वो हमने लिया कन्वीनियंस रेडियस, और इंटरसेक्ट किया ओ ए के ऊपर एक्स को। ये देखिए, ये रेडियस इसका लिया हमने, टेकिंग एक्स एज ए सेंटर। अब हमने एक्स को सेंटर बना लिया यहाँ से, और सेम रेडियस के साथ वाई पे हमने कट किया, तो ये 60 डिग्री का बन गया। ये फिर यहाँ पे किया जेड, ये 120 का बन गया। जेड और वाई जो था हमारा, यहाँ से हमने इसका सेम रेडियस लेते हुए टेकिंग वाई एंड जेड सेंटर। अब आप वाई और जेड हमारे लिए सेंटर होगा, और यहाँ से दो आर्क जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस के ऊपर, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। और फिर हमने क्या किया, सिक्स्थ स्टेप में ओ एस को मिला दिया, राइट। सिक्स्थ स्टेप में क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ एस, राइट। जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो सेवन्थ स्टेप है उसमें हमारा एंगल जो 90 डिग्री का है वो बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये रेडी हो जाएगा बन करके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के।
जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होने वाला है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे कि 120 को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, 120 के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एंगल 90 को ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करेंगे कि जो 120 का एंगल है उसको कैसे हमें ड्रॉ करना है, उसकी क्या स्टेप्स हो सकती हैं, कैसे हम इसे सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि रूलर और कंपास की मदद से कैसे हम 120 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। तो इसकी जो कुछ स्टेप्स हैं कुछ इस तरीके से होने वाली हैं। यानी कि सबसे पहली चीज़ कि आपको जिस तरीके से आपने 90 डिग्री के एंगल्स को देखा, आपने सेम वही चीज़ें करनी है आपको, वो ही आपको ड्रॉ करना है, जो भी कन्वीनियंट आपको लगता है रेडियस वो आपको लेना है, और पी को आपको मार्क कर देना है, ये रेडियस हो गया आपका, राइट। ये तो आपका फर्स्ट बार में 60 डिग्री का बनता है, आपको पता है, फिर उसके बाद 120 का बनता है, राइट। फिर सेम रेडियस लेंगे एस पे और इसको मिला देंगे, तो ये हमारा ए ओ डी 120 डिग्री का एंगल्स बन करके तैयार हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो 45 डिग्री के एंगल हैं इसको कैसे मेजर करना है, कैसे इसे ड्रॉ करना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ ई वाला क्वेश्चन है। 120 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करेंगे 45 डिग्री एंगल्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए इसकी स्टेप्स को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें 45 डिग्री के एंगल्स में हमें समझने की कोशिश करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप 45 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ स्टेप्स जिन्हें आपको फॉलो करनी है जब भी आप 45 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ कर रहे होंगे, तो कौन सी वो स्टेप्स हैं आपको वो ध्यान रखनी है। तो वो स्टेप्स कुछ इस तरीके की हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये है हमारी स्टेप्स 45 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले सेम चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ भी एक हम रे ड्रॉ करने वाले हैं ओ ए, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ओ ए एक रे है। सेम कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए हमने एक्स को मार्क किया हुआ यहाँ पे, ये जो है बन गया हमारा 60 डिग्री, और उसके बाद ये 120, 120 का फिर हमने अगर हाफ किया एस पे तो ये 90 डिग्री बन चुका है, और 90 डिग्री का फिर से हम हाफ करेंगे इंटरसेक्ट करके, तो ये हमारा जो बना है ये 45 डिग्री का एंगल बना है। यानी कि स्टेप में कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने लिया एक्स को एज ए सेंटर, और सेंटर लेकर के सेम रेडियस हमने कट किया वाई के ऊपर, तो ये आपका वाई के साथ सेम रेडियस लिया हमने। एक और हमने आर्क ड्रॉ किया जो कि जेड था। अब वाई और जेड को हमने लिया सेम रेडियस के साथ और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एस के ऊपर बनाया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, ओ एस को ज्वाइन कर दिया हमने, प्रोड्यूस कर दिया उसको ओ ए बी के फॉर्म में, और ओ ए बी ये रिक्वायर्ड 90 डिग्री एंगल बन चुका है। अब हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका। जैसे ही हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बी ए ओ एम या फिर एम ओ ए जो भी कहें आप, वो एंगल हमारा 45 डिग्री का बन करके तैयार होगा, राइट। इस तरीके से आप 45 डिग्री के एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें हमें देखना है कि कितने डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें हमें कुछ अलग एंगल्स ड्रॉ करने हैं, अलग कैटेगरीज के एंगल हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन से एंगल्स को हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन नंबर ई, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, जिसमें कि हमें अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करनी है, 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 135 डिग्री के एंगल्स को कैसे ड्रॉ करना है, उनकी स्टेप्स क्या होती हैं, चलिए उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि 135 के एंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टेप्स इनकी देखिए, कैसे हम इनके स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, 135 डिग्री को कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी से स्टेप है, केवल आपको एक बार समझने की कोशिश करना है कि कैसे इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको सेम एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है जिसका पॉइंट ओ है, और पी क्यू हमने ड्रॉ किया, ये देखिए पी से क्यू तक ड्रॉ किया जिसका पॉइंट है ओ। हमने कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए मार्क किया आर्क को, जिसमें कि ए और बी आपको दिख रहे हैं, ये ए और बी, ये इसका कन्वीनियंट रेडियस आप देख पा रहे हैं। ए एंड बी एज ए सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ लिया हमने ए बी का, और दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं जो कि आर्क के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन चीजों पे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ओ क्यू आर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, और यहाँ भी पी ओ आर भी 90 डिग्री का बना है। ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 से जस्ट हम अगर थोड़ा सा आगे बनाते हैं 45,
तो ये 135 हुआ। तो इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ से बैठ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया डी, और यहाँ से भी ड्रॉ किया, तो इसको हमने बनाया, तो ये 135 हो गया, राइट, ये 135 हो गया। तो इस तरीके से आप 135 की जो डिग्री के जो एंगल्स हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट स्टेप्स को आपने देख लिया है कि वो क्या स्टेप्स हो सकती हैं, और यही हमारा क्यू ओ डी जो है वो रिक्वायर्ड 135 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 135 डिग्री के एंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एंगल मेजर करना है और उसको बाइसेक्ट करना है। तो इसकी क्या स्टेप्स हो सकती हैं, चलिए उस स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स इस तरीके से होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आप इनकी स्टेप्स को इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करनी है, और जिस तरीके से आप लाइन पी क्यू ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर आपको ए ओ जो एक पॉइंट लेना है, आप ओ को पॉइंट ले सकते हैं, और सेम इसी तरीके से जो भी आपको कन्वीनियंट रेडियस लगता है उस रेडियस को आप जो पी क्यू आपकी लाइन है उस पे ए और बी आपने दो पॉइंट्स को ड्रॉ करना है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू पॉइंट्स, टेकिंग ओ एज अ सेंटर अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट द टू पॉइंट्स। पी क्यू के दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी। फिर हमें क्या करना है, ए और बी को सेंटर लेकर के इसके रेडियस से हाफ से ज़्यादा लेना है, और ए बी ड्रॉ टू आर्क विच इंटरसेक्ट एट सी, यहाँ से ए से भी एक आर्क लेना है और बी से भी लेना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, राइट। 90 का फिर हम अब बाइसेक्टर करेंगे, जब ओ सी को ज्वाइन कर देंगे तो सी ओ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हम ओ ई का बाइसेक्टर करेंगे तो वो 45 बन जाएगा। ओ ई का जब आप बाइसेक्टर करेंगे तो ये 45 बन जाएगा, और 45 को फिर से जब आप बाइसेक्ट कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 22 एंड हाफ, यानी कि इसका बाइसेक्ट कर दिया आपने। तो इस तरीके से आप ड्रॉ अगेन बाइसेक्ट करेंगे क्यू ओ ई को, तो ये 22 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में क्या दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक एंगल जिसका मेजरमेंट 135 डिग्री का हो और उसको बाइसेक्ट करना है। तो क्या स्टेप्स हो सकती हैं उसके, उसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं कि कैसे आप इनके स्टेप्स को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपको ड्रॉ करना है एक लाइन पी क्यू और एक पॉइंट लेना है ओ। तो ये आपने पॉइंट ले लिया पी क्यू के ऊपर ओ को, और कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क ए और बी को आपने मार्क कर दिया यहाँ पे। जैसे ही ए और बी को मार्क किया आपने, इनके हाफ से ज़्यादा लेकर के आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। जैसे ही हम ओ आर को ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है हमारे पास, ओ आर क्यू। इसका जैसे ही हमने देखा कि अब हमें क्या करना है, ओ डी द बाइसेक्टर ऑफ पी ओ आर, पी ओ आर का बाइसेक्टर ओ डी है, यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये तो 90 था, अब ये 90 के बाद ये 45 आया, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, तो ये 135 हो गया। अभी जो 135 है ये अब 135 डिग्री का एंगल बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये 135 है, राइट। 135 को हमने हाफ करना है, तो ये था हमारा, राइट, इसको और इसको, इसका हमने बाइसेक्टर निकाला, यानी कि ओ ई एज अ बाइसेक्टर ऑफ क्यू ओ डी, क्यू ओ डी का, क्यू ओ डी का जो बाइसेक्टर हमने फाइंड आउट किया, तो क्यू ओ डी का जो बाइसेक्टर है वो है 67 एंड हाफ, ये होगा डी ओ ई। तो डी ओ ई ये इसका बाइसेक्टर है, डी ओ ई इसका बाइसेक्टर होगा। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने मेजर किया 135 डिग्री का सबसे पहले एंगल और उसको बाइसेक्ट भी कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर और देखते हैं कि उसकी क्या स्टेप्स हो सकती हैं। जैसे ही आप इन स्टेप्स के थ्रू करते जाएंगे क्वेश्चंस को, तो इजीली आपको चीज़ें समझ आएंगी, बहुत इजी है, केवल आप ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाइए, करते जाइए, और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली है, ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट के बारे में जिसके अंदर 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है।
और इसकी एक कॉपी बनानी है स्ट्रेट एजेस एंड कंपासेस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स हो सकती हैं, कि इनकी जो स्टेप्स होंगी कुछ इस तरीके से होंगी। सबसे पहले तो हम एंगल ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री का, राइट। तो हमने यहाँ पर 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया, पी ओ क्यू हमने एक एंगल 70 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। अब हम रे ड्रॉ करेंगे ए बी, ये हमारी रे है ए बी, यहाँ से हमने ए बी एक रे ड्रॉ करी है। और इसको ड्रॉ करने के साथ ही हमने जो हमारा कंपास है उसका ओ जो पॉइंट है यहाँ से वहाँ तक ड्रॉ किया है एक आर्क, राइट। और कट किया है पी ओ क्यू पे एल एंड एम पे। ये देखिए ये हमारा एल है और ये हमारा एम है, तो ये एल हो गया जो रेडियस हम ले रहे थे और ये हो गया हमारा एम, राइट। और इसी तरीके से हमें सेम कंपासेस की सेटिंग्स को बिना डिस्टर्ब किए ए को हमें सेंटर मानना है और यहाँ पे फिर से इसकी कॉपी बनानी है। तो इसकी कॉपी हमने बना ली, एक्स और वाई यहाँ पे हमने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को रख दिए हैं। सेट अ कंपासेस सेटिंग लेंथ LM विद द सेम रेडियस है हमारा। और हमने जैसे ही प्लेस किया कंपासेस को एक्स एंड ड्रॉ आर्क टू कट अर्लियर एट वाई, एक्स और वाई पे हमने ड्रॉ कर लिया, ए वाई को ज्वाइन कर दिया, तो वाई ए एक्स 70 डिग्री का बन गया। एक तो हमने बनाया था कंपासेस एंगल जैसे हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जैसे हम नॉर्मली डी के थ्रू बनाते हैं, तो ये तो हमारा बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद इसी को मेजर करते हुए एक और इसकी कॉपी बनानी है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, उसको बना भी लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि उसकी क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सकती है। देखिए ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं और इन्हें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीज़ें समझ नहीं आने वाली। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिए, बिल्कुल ईजी है, काफ़ी ईजी है, केवल आपको स्टेप्स ध्यान रखनी है और एंगल्स आप खुद ब खुद ड्रॉ करना सीख जाएंगे, राइट। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है और इसके सब इस कॉपी सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी कॉपी करना है। तो इसके स्टेप्स को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की कि कैसे हम इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप इनके स्टेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप्स को मैं समझाने वाला हूँ, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है एक एंगल 40 डिग्री का हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, नेमिंग ए ओ बी आपने नाम दे दिया। प्रोटेक्टर की मदद से 40 डिग्री का एंगल्स आपको ड्रॉ करना काफ़ी इजी है और ये आपने सीखा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, राइट। अब सेम इसी तरीके से अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू, जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन हमने पी क्यू ड्रॉ करी है। और जैसे ही लाइन पी क्यू ड्रॉ हुई है उसके बाद हमें टेक एनी पॉइंट एम ऑन पी क्यू, कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया हमने एम पी क्यू के ऊपर, राइट। और यहां से प्लेस द कंपासेस एट ओ एंड ड्रॉन एंड आर्क कट द रेज ए ओ बी एट एल एंड एन। देखिए ये जो एल और एन आपको दिख रहा है ये तो हमने कंपास की मदद से आप 40 डिग्री का एंगल हमने बनाया, सेम इसकी कॉपी हमें बनानी है। तो यहाँ से वहां तक जो भी डार्क होगा, जो भी इसका लेंथ होगी, उस लेंथ को यूज द सेम कंपास सेटिंग्स, बिना जो सेम कंपास की जो सेटिंग है सेम इस पे ही हमें एम पे रख करके ड्रॉ करनी है। तो जो यहाँ पे ओ से एन तक होगा वो यहाँ होगा एम से वाई तक, और जो ओ से एल तक होगा वो एक्स तक होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल अब बन चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया कंपास को, प्लेस द कंपासेस एट एक्स, हमने इस कंपासेस को एक्स के ऊपर रखा एंड ड्रॉ द आर्क कट द ड्रॉन अर्लियर वाई, हमने वाई के ऊपर कट कर लिया, राइट। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। और फिर हमने ज्वाइन कर दिया एम वाई को, जैसे ज्वाइन किया क्यू एम वाई 40 डिग्री हमें मिल चुका, क्यू एम वाई 40 डिग्री मिल चुका, इसकी कॉपी हमने बना ली सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना वाई एम पी, ये इसका सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो 180 में से 40 को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये 140 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट। तो इस तरीके से इसका हम सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा इस कंप्लीट स्टेप्स में कि चीज़ों को कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो आपने ये जाना, और चीज़ों को ड्रॉ करने के साथ साथ आपने देखा कि इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी जाना है। देखिए
चीजों को जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में चीजें सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीजें समझ नहीं आने वाली। सो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, वो स्टेप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आप इन स्टेप्स को डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो लेक्चर है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करने के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन हैं, वहां से भी आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, पीडीएफ्स को ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।